हिमाचल में मौसम ने करवट बदली और प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर शुरू हो गया है। प्रदेश की जो कई हिस्से हैं, राजधानी में हल्की बर्फबारी हुई, बूंदाबांदी भी हुई, जबकि ऊपरी हिस्सों में जो है वहां पर भी हल्की बर्फबारी हो रही है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। प्रदेश के निचले हिस्सों में आसमान में बादल छाए हुए हैं। लाहौल स्पीति और कुल्लू के ऊंचाई वाले इलाकों में रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। इस बर्फबारी की वजह से कई हिस्सों में मौसम में जो है बर्फबारी और बारिश की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग के निदेशक मनमोहन सिंह ने 12 मार्च तक मौसम खराब रहने की संभावना जताई है। दो तस्वीरें शिमला और रोहतांग की, जहां शिमला में बारिश हुई, वहीं रोहतांग में बर्फबारी की तस्वीर है। वहीं लाहौल स्पीति की लाहौल घाटी में 8 किलोमीटर बर्फ में पैदल चलकर बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने बिजली व्यवस्था को बहाल किया और करीब 2 महीने पहले रोहतांग दर्रे में बिजली व्यवस्था में तकनीकी खामी आई थी, जिसकी वजह से जिसे अब जाकर दूर किया गया है। वहीं बिजली व्यवस्था बहाल करने पहुंचे बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने कहा कि रोहतांग दर्रे से गुजरने वाली 33 KV बिजली लाइन को बहाल करने के लिए 3 घंटे की चढ़ाई की गई, जिसके बाद समस्या को दूर किया गया है। तस्वीरें देख सकते हैं कि किस कदर परेशानी झेलकर बिजली कर्मचारी करीब 3 घंटे की चढ़ाई करने के बाद जहां पर समस्या थी वहां पहुंचे और बिजली की जो समस्या थी, बिजली व्यवस्था, उसको बहाल किया गया।